अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यास्मीन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ मैं नहारी, सबकी मनपसंद नहारी। नई डिश नई तो नहीं है, है तो पुरानी, लेकिन नहारी बनाने जा रही हूँ। तो बढ़ते हैं अपने नई रेसिपी की तरफ। बनाने जा रहे हैं हम नहारी, जिसमें डलेगा पहले थोड़ा सा घी, 150 ग्राम का घी डाला है हमने। रिफाइंड घी ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, और 100 ग्राम करीब रिफाइंड तेल है, ऑयल है, 100 ग्राम करीब रिफाइंड ऑयल है, 150 ग्राम घी है। दोनों चीज़ें मिक्स करके डालिए, दोनों दोनों चीज़ मिक्स करके डालो ना तो सही जायक आता है। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे, हम 150 ग्राम करीब हमने प्याज लिए, तो हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। हम गोल्डन ब्राउन करेंगे तो प्याज को, गोल्डन ब्राउन करने के बाद ना फिर हम इसे निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकालते हैं, हम निकाल लेंगे। हमने 1 किलो करीब गोश्त लिया था बॉन का, इसको हमने धोकर साफ कर लिया है। उसमें हड्डियाँ हैं, 1.5 ग्राम करीब हड्डियाँ ली थी, क्योंकि जितनी हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ ज़रूरी होती हैं नहारी में, इसकी वजह से गोश्त आता है नहारी में, तो जायका ज़रा अच्छा हो जाता है। 1.5 किलो करीब हमारा, 1 किलो करीब गोश्त बॉन का। चटकाइए थोड़ा सा, पकता जिससे पानी थोड़ा सा चकना हो जाए, फिर चटकाएंगे हम, बदल जाएगा ना, तो फिर भी हम लहसुन डालेंगे। फिर हमने लहसुन डाल दिया, ये लहसुन पीसा था हमने, लहसुन डाला है, लहसुन और उसको चटकाते रहेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट करीब चटकाना है, इसको पकाना है। इसमें तेल में लहसुन, लहसुन पक चुका है, 5 मिनट करीब हो चुके हैं पकते हुए लहसुन। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, ये हमने नहारी मसाला लिया था नूरी का, इसको हमने पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है, घोल लिया है। अब ये डाल देंगे हम, इसी में ही हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब इसको हम चटका लेंगे, जब तक ही मसाला भुन नहीं जाता इसको हम चलाते रहेंगे, चटका रहेंगे मसाला भुनने तक, इसको हम पकाते हैं, फिर मसाला भुनने के बाद दिखाते हैं आपको मसाला भुनेगा। अभी हमारा मसाला भुन चुका है, देखो रोगन आ गया खूब अच्छा इसमें। अब हमें क्या करना है, इस रोगन को उतारना है हमें, ताकि हम ये नहारी के बाद पकने के बाद डालेंगे, रोगन उतारना। माशाल्लाह कितना अच्छा रोगन आया है ना, कलर दे, उसको हमें निकालना। पक जाएगी ना नहारी तब डालेंगे ये रोगन, क्योंकि जो हम आटा वगैरह डालते हैं ना तो आटे की वजह से ना रोगन उड़ जाता है, जैसे जैसे उसमें आटा पी लेता है, तो बस इतना ही लगा लेंगे, इतना भी रहने देंगे। अभी इसमें हम डालते हैं पानी, जितना हमें इसे गलाना है ना, जितना गल जाए और जितना हमें चोरों वगैरह रखना है उतना हमें पानी डालना है इसमें। अभी उबाल आने तक अभी थोड़ी देर पकाना है, फिर इसमें हमें वो डालना है आटा,
चने का आटा डालना है, इतनी देर तक हमें पकाना है। जब तक उबाल आ जाता है, उबाल आने के बाद उसमें हम आटा डालेंगे। वॉश में हमारे हमारे वॉश में उबाल आ चुका है, जब उबाल आ गया अच्छी तरह से, अब इसमें हम जो हमने चने का आटा पीसा है ना, भुने हुए चनों का आटा, भुने हुए चनों का आटा 50 ग्राम हमने चने लिए थे, भुने हुए चने, इसको पीस लिया है। पीस के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये हमने पानी में भिगो कर इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर हम इसे डालेंगे सालन में। जम से ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े, इस वजह थोड़ा पानी डालें पहले। हमने वैसे कोरमे के शासन में बोट बनवाई थी, हमने कोरमा बनाना था, बच्चे हमारे कहने लगा नहारी बनानी है तो मिक्सचर नहारी बना दे, है तो खैर बोट तो बॉन्ग का ही था, लेकिन बॉन्ग में नहारी में ना मोटी वाली बोटियाँ डलती हैं बड़ी वाली, तो उसके रेसे ज़रा अच्छे आते हैं। अब ये कोरमे के साथ में गोश्त था, लेकिन नहारी है तो थी बॉन्ग ही, इसलिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ढक कर दम करने रख दे रहे हैं, दम पर रख दे रहे हैं 30-40 मिनट करीब, फिर 30-40 मिनट के बाद दिखाएंगे आपको दम के बाद हल्की आँख में पकाएंगे। अब इसमें हम जो हमने प्याज भूनी थी ना वो डाल देंगे, जो हमने रोगन निकाला था ना वो डाल देंगे हम इसमें, जो हमने रोगन निकाला था वो डाल देंगे हम इसमें, थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, मसाले बहुत तेज़ है, थोड़ा सा डालेंगे। आउट करके दिखा रहे हैं, देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आया है नहाई में दम के बाद। इसको आउट करते हैं, हरी मिर्चें, इसको हरी मिर्चें और अदरक वगैरह से गार्निश करना है। अदरक डाल दे रहे हैं, लच्छेदार काटा था अदरक हमने, लेमन से नींबू वगैरह डाल के खाना खाएं, नींबू डाल के खाएं। अब बताएं आपको कैसी लगी हमारी डिश,
हमारे तरीके से बना के बताइए और हमें बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये। अगर आपको मेरी नहारी की डिश पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या कहते हैं दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरह ही नहारी को बनाकर ज़रूर बताइएगा।